झारखंड, जय के लिए झारखंड, जय के लिए झारखंड, जय के लिए झारखंड। हमारी भाषा नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। हमारी भाषा नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। 32 लागू करे होता, के खाद्यान्न के यहाँ पे लागू न करल गेल। यहाँ के युवा सब के करियर जो है, जो शिक्षा है, वो पूरा चौपट हो गए है। सुदेश दादा, ओह दादा, तू 17 साल मलाय के ले ही झारखंड में। बात रहे जब 1932 के, तो हम इन लड़के लबा है। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। जयराम महतो और अमित महतो के नेतृत्व में झारखंडी भाषा और 1932 का खतियान लागू करने के आंदोलन की जो चिंगारी थी, अब वो पूरे झारखंड में फैल चुकी है। तो भला बड़का गांव इससे कैसे अछूता रहता। बड़का गांव तो आंदोलन की धरती रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, एनटीपीसी जैसी कंपनियों को आंदोलन के माध्यम से यहाँ के लोगों ने धूल चटाया है। इसी क्रम में आज झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति बड़का गांव के नेतृत्व में 1932 का खतियान लागू करो, बाहरी भाषा नहीं चलतो, हेमंत सोरेन होश में आओ के नारों से गूंज उठा। और बड़का गांव की जनता, यहां के छात्र आज सड़कों पर थे 1932 के खतियान को लागू करने के लिए। आपको बता दें कि 1932 का खतियान ही यहां झारखंडियों के लिए झारखंडी होने का, स्थानीयता का प्रमाण है। जबकि पिछली सरकार, रघुवर सरकार ने 1985 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित किया है, जिससे यहाँ के झारखंडियों का हक अधिकार मारा जा रहा है। और आपको बता दें, अब इस आंदोलन में, स्थानीय नीति के आंदोलन में, भाषा के आंदोलन में, 1932 के खतियान को लागू करने के आंदोलन में, अब बड़का गांव के छात्र भी जाग चुके हैं। और वो जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं करेंगे, बाहरी भाषा को यहां से खदेड़ कर नहीं निकालेंगे, तब तक दम नहीं लेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज बड़का गांव में किस तरह का जुलूस की शक्ल में छात्र छात्राओं ने और बड़का गांव की जनता ने अपने झारखंड होने का, अपने झारखंड के झारखंडी होने का एहसास जताया और 1932 का खतियान लागू करने के लिए सरकार को होश में आने के लिए नारा बुलंद किया। आपको बता दें कि आज झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति बड़का गांव के नेतृत्व में जो बड़का गांव में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, उसमें से मुख्य रूप से विपिन कुमार, अवधेश कुमार, शशि कुमार, मिथिलेश कुमार, दुलारचंद कुमार, अधिवक्ता अनिरुद्ध महतो, रूपलाल कुमार, कुंवर प्रजापति, संदीप सोनी, बंसीधर लाल पटेल जैसे कई छात्र और नवयुवक थे जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। झारखंड में झारखंडी जिंदाबाद, 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 झारखंडी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 झारखंड के झारखंडी जिंदाबाद, 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 झारखंडी भाषा जिंदाबाद, 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 खेत लिया झारखंड के झीलों में आंदोलन हो रहा है। और हम भी लागू करो, सफेद
छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। मजदूरन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 1932 का खतियान लागू। आशू सुप्रीमो, बड़ा विपक्ष के भूमिका निभाओ नेता सुदेश दादा। ओ दादा तू 17 साल मला के ले झारखंड में बीजेपी के साथ मिल के, और बात रहा जब 1932 के तो हम इन लड़के लबा है, और हम इन कोई पार्टी से ना लड़ा लड़ दिया, हम इनके अपन बैनर है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। ये सिर्फ बड़के गांव में ना है, ये झारखंड के कोना कोना में ये बैनर तले सभी को आवाज उठावे थी। और अभी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, एकरा सोचलिए कि एकर बाबूजी झारखंड के अलग करावे में अपन सब कुछ खोला है, ओकर लिए बड़ी मेहनत कर ला है, लेकिन वह खातिर एकरा में 2019 में वोट दे के हमरा बड़ी विरोध कर लथिन, बड़ी विरोध कर लथिन कि जेएमएम के काहेल सपोर्ट करो। हम बोलिए दादा ई झारखंड के आंदोलन करे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत बड़ा योगदान रहले है, ये झारखंड के भाषा के संस्कृति के माय माटी के पहचान के बचा सको है, यहाँ के युवा के रोजगार के बात कर सको है। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में 100% यहाँ के युवा खतियानधारी के नौकरी के बात कर सको है। बड़का गांव के बैनर चले आज बड़का प्रखंड के मुख्यालय और मेन चौक में पद यात्रा कार्यक्रम कर गए। एक मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में जो भाषा और खतियानी को लेकर जो मामला है, जो विवाद है, वो समाप्त रखा हो। भाषा के आधार पे झारखंड में बाहरी भाषा के थोपे प्रयास कर गए हैं। 1932 के खतियान के यहाँ पे लागू न कर गए, जगह से भारी दिक्कत है यहाँ के युवा सब के करियर जो है, जो शिक्षा है ऊपर चौपट हो गए हैं। तो यह एक विरोध में हम इन पूरा बड़का गांव के युवा छात्र शिक्षक बुद्धिजीवी जो इस बात के समझो है, वो सारा इस पदयात्रा में शामिल होती। लगभग 300 युवा सब इस पदयात्रा में शामिल होके एक सफल बनल थी। और भाषा खतियानी संघर्ष समिति बड़का गांव के जो गठन कर गए है, ओकर में जितना कोर कमेटी के मेंबर हथिन, जितना मेंबर हथिन, सबके हम धन्यवाद सौंपो है। और हमारा बड़ी खुशी लगे थे कि संघर्ष समिति ने हमारा संरक्षण बनैले है कि कार्यक्रम के नेतृत्व कैसे होते है, कैसे और आगे की रणनीति का होते है, ओकर हमारा जिम्मेवारी सौंपले थी। एकर अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, सचिव बंशीधर पटेल, हेम नारायण जी, धर्मनाथ जी, कुंवर सर, अवधेश सर, रूपलाल जी, ढेर मने आदमी सब मिल के हमें इस कार्यक्रम के हमें सफल बनले है। और ये कार्यक्रम यह ना आगे और बढ़ते है, छात्र सब के जुटाव कर जाते है, युवा सब के एकजुट कर जाते है। और अगर एक ही कैसे है कि भाषा और खतियान 1932 के खतियान चाहिए, हमारा 1985 के खतियान ना चाहिए। जे 1932 के खतियान यहाँ लागू होते है, तबे यहाँ के झारखंडी के लाभ होते है, ओकर पढ़े लिखे बाल बच्चा के तबे कुछ फायदा होते है, नहीं तो सब बाहरियन गुज गथुर और यहाँ झारखंड के कुछ न मिलते। इसलिए बाहरी भाषा ना चलते और 1932 के खतियान यहाँ लागू करे पड़ते है। ओकर खातिर झारखंड के युवा जितना आंदोलन करते थे सब आंदोलन करवाए, और हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में जितना प्रखंड के युवा आए थे हम सबके धन्यवाद दो। ये कार्यक्रम में सफल बनने खातिर बहुत हो जा रहे थे हमारे।